रेनी सीजन है और कुछ हॉट हॉट पीने का मन कर रहा है तो ट्राई कीजिए मशरूम सूप की मेरी ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने एक मीडियम स्लाइस का ओनियन ले लिया है, उसे स्लाइस में कट कर लेना है और यहाँ पे मैंने खूब सारा गार्लिक भी लिया है, इसे भी हमें स्लाइस में कट कर लेना है। एक पैन को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें जाएगा बटर। बटर को हमें हल्का सा मेल्ट कर लेना है, फिर इसमें ऐड कर देना है गार्लिक। गार्लिक को हमें 2 से 3 मिनट सौटे करना है और बस ज़्यादा नहीं पकाना है गार्लिक को, बस इसमें ये ओनियन डाल देते हैं। ओनियन और गार्लिक को भी 2 से 3 मिनट हमें सौटे करना है। इधर यहाँ पे ये मशरूम को स्लाइस में मैंने कट कर लिया है, सारे मशरूम को कट करके हमें गार्लिक और ओनियन में ऐड कर देना है। फिर गार्लिक ओनियन और मशरूम को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि सभी से पानी एकदम इवेपोरेट ना हो जाए, पानी एकदम सूख जाना चाहिए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसमें। और हमें इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है और हाफ टेबल स्पून ही लिया है सॉल्ट। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, बस मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करते रहना है और जब सारा पानी सूख जाएगा तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए हमें वेट करना है। बाद में एक ग्राइंडिंग जार में इसे निकाल के हम ग्राइंड करेंगे। ये सूप बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और डिलीशियस बन के तैयार होता है। बस ये रेडी हो चुका है, ठंडा भी है, अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है। बस इसे पैन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें हॉट वाटर ऐड करना है। पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास अराउंड हॉट वाटर ऐड किया है और 1 बॉइल लिया है बस। और आपका क्रीमी मशरूम सूप बनके बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।